कहा कि हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, कहा कि नहीं समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी से होता है तो बहुत अच्छा है। फिर अन्य पार्टियां भी हैं हमारे सामने, राष्ट्रीय पार्टी जो भी हैं, एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से मैं जरूर समझौता करेंगे। जब हमारा समझौता होगा, जब हमारी बातचीत होगी, तो आपको बता भी दिया जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने में क्या परेशानियां सामने आ रही हैं जो अभी तक गठबंधन नहीं हो पा रहा? अब जैसे ही बातचीत होगी ना, अभी तो केवल टेलीफोन पे बात हुई है, तो टेलीफोन पे तो ये बातें हो नहीं सकती। अब देखिए, अब ये देखिए, ये रणनीति का हिस्सा होता है, तो रणनीति तो सब अभी तो खुल ही नहीं जाएगी, रणनीति के हिस्से हैं ये। और रणनीति के अगर पहले से खुल गई तो मामला ठीक नहीं होता ना, तो समय पे। कल ओवैसी ने भी कहा है कि वो आपकी पार्टी से गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है, आपका इस पे क्या कहना? देखिए, जैसे ही जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो ये बातें चलेंगी, बातें चलेंगी। अब ये हमारी पार्टी में जब भी फैसला होगा तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे ही जैसे नज़दीकियाँ आती जाएंगी, आपने यहाँ पर प्रत्याशी भी उतार दिए हैं समाजवादी, तो अब कैसे गठबंधन होगा जब आपने प्रत्याशी सब उतार दिए? देखिए, हमने हमेशा भरोसा किया है संघर्ष और त्याग, राजनीति में संघर्ष और त्याग जरूरी होता है ना। और मैंने आपको ये भी पता है कि हमने 40-45 साल समाजवादी पार्टी में नेताजी के साथ काम किया है, और समाजवादी पार्टी को हमने बहुत बुलंदियों पर पहुंचाया, सरकारें भी बनाई हैं, गिराई हैं, हैं। और ये भी आपको पता है, आपको ये भी पता है, नेताजी दो बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, तो कहीं न कहीं मैनेजमेंट में कभी कभी दिक्कत आ जाती है ना। नेताजी इस बार प्रचार करने के लिए आ रहे हैं आपकी पार्टी? देखिए, मैंने नेताजी से अभी रथ निकालने से पहले आशीर्वाद लिया था और बातचीत की थी, तो वो ही बातें पूछने लगे, पार्टी में क्या चल रहा, कैसा चल रहा, ये कब हो रहे हो? तो मैंने उनसे, नेताजी से यही कहा था कि भाई अखिलेश को बुला लो और हम तीनों लोग बैठ जाए, बात कर लेंगे। तब नेताजी ने कहा, अगर मान लेगा तो ठीक है, मानना चाहिए उसे, और नहीं मानता है तो हम तुम्हारा प्रचार करें, तुम्हारी बात नहीं करेंगे क्या? अब ये तो नेताजी भी बताएंगे, हमसे आश्वासन दिया, हमारा प्रचार करने का मतलब क्या होगा? प्रचार करेंगे? अच्छा, वो तो बार बार कहना हमारा ठीक नहीं है, मैं बोल चुका हूँ, ब्लैक के लिए भी बोल चुका, अलायंस के लिए भी बोल चुका, अब मैंने उन्हीं पर छोड़ दिया है। सवाल ये उठता है कि लगातार आप अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं, गठबंधन से पहले, गठबंधन के बाद क्या अपने प्रत्याशियों को हटाएंगे या वही प्रत्याशी रहेंगे, एक सवाल ये भी बनता है। देखिए, मैंने केवल ये कहा कि हमारे सर्वे कर लीजिएगा, अगर मेरे जीतने वाले प्रत्याशी हैं और हमारे सम्मानजनक प्रत्याशी हैं, हमारे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, उनका भी सम्मान है, सम्मान रहना चाहिए, और जीतने वाले भी हों तो मैं मान लेंगे। वेस्ट यूपी में और भी बड़ी पार्टियां हैं जो कि दिखाई दे रही हैं, फिलहाल आप वेस्ट यूपी में ही हैं, और पार्टियां भी देखते हैं गठबंधन के लिए? अब यहाँ तो राष्ट्रीय लोकदल है, अजीत सिंह जी वाला, जयंत चौधरी का, हम तो चाहते हैं जयंत चौधरी भी शामिल हों। बातचीत हुई है अभी तक? अभी तक तो नहीं है, बात कर लेंगे, समय आएगा बात जरूर करेंगे। आप ये भी कह रहे हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया गठबंधन जरूर करेगी, लेकिन किससे गठबंधन करेगी ये अभी तय नहीं है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात कहाँ तक पहुँची है, या फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कांग्रेस से भी गठबंधन कर सकती है, ओवैसी से भी क्या गठबंधन कर सकती है, गठबंधन की सियासत के बारे में बताएं? नहीं, देखिए, मैंने तो सभी से, मेरा प्रयास रहा है, सभी एक समान विचारधारा वाली पार्टियाँ, सेकुलर पार्टियाँ, छोटी भी पार्टियाँ हैं जो सेकुलर हैं,
और हमने ये भी कहा कि एक बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी से हम जरूर अलायंस करेंगे, गठबंधन जरूर करेंगे। ये तो देखिए जैसे ही अब हम किसके खिलाफ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो हटाने की बात कर रहे हैं सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बात कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से देखिए अब ये तो जैसे ही हमारा अलायंस होगा, जैसे ही बातचीत होगी तो आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तो समय अब आ रहा है, अलायंस तो जब समय आ जाता है ना, अभी तो 5 महीना है, सब बातें हैं। लेकिन इन्होंने देखिए एक भी जितने वादे किए थे अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। अब देखिए पूरे हमने तो भ्रमण किया है, अब पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहती है, तो इसलिए हमने भी प्रयास किया है कि समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां एक हो जाएं, गठबंधन करके एक हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आसानी होगी।